Hi everyone, welcome to Pathway Classes. So we have another session on unit number one, that is School of Management. School of Management में हम discuss कर रहे हैं कुछ questions जो कि आपका NTU unit code 55 के लिए important है, labor welfare के लिए important है, and if you are preparing for management, so this session is also important, or commerce, so this session is also important. So management, commerce and labor welfare students के लिए this session is important because we will discuss some important questions related to labor welfare, management and for the commerce also. So today's question is economic uncertainty, regularity requirement and the new competitors are the example of which type of the factors that affect the managers. अगर economic uncertainty होती है, like economic का issues हो जाता है, कभी higher हो जाती है, कभी low हो जाती है, like inflation, deflation हो जाता है, regulatory requirements हो रही हैं, competitors नए add-on हो रहे हैं, so ये किसकी वजह से, कौन से फैक्टर्स इसमें इफेक्ट करेंगे, कौन से मैनेजर्स इसमें इफेक्ट करेंगे, लाइक राइट. सो कौन सा फैक्टर्स होगा जहां पर मैनेजर्स इफेक्ट होंगे. सो दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन इज इंट्रापर्सनल, देन इंटरनल फैक्टर्स, इंटरपर्सनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो कौन से फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे. सो जस्ट यू कैन टाइप योर आंसर, यू कैन मार्क योर आंसर और यू कैन ऐड योर आंसर ऑन द कॉमेंट सेक्शन. सो ऑफकोर्स द आंसर इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स. ये सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाते हैं, राइट. चाहे वो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, रेगुलेशंस की बात करते हैं, और अगर हम नए कॉम्पिटिटर्स की बात करते हैं तो जो भी मैनेजर्स इफेक्ट करेगा वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही करता है. ओके, so I hope this is clear to all. So the next question is, which management functions involves measuring results, comparing results to the expectations and taking corrective actions. So जहाँ पे हम मेजर करते हैं रिजल्ट्स को, देन कंपेयर करते हैं और लास्ट में जाके करेक्टिव एक्शंस को लेकर आते हैं, वो कौन सा फंक्शन होता है? इज इट प्लानिंग, इज इट ऑर्गेनाइजिंग, इज इट लीडिंग और इज इट कंट्रोलिंग? सो मार्क योर आंसर ऑन कॉमेंट सेक्शन. एंड द आंसर इज कंट्रोलिंग. ऑफ कोर्स कंट्रोलिंग में क्या होता है, कंट्रोल करते हैं, मतलब पहले हम रिजल्ट्स को लेकर आते हैं, रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल परफॉर्मेंसेज, एंड लास्ट में जाके आपको एक करेक्टिव एक्शंस आ जाता है. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑल्सो. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. Yes, and one more thing is there, because I am providing special classes to you all, so यहाँ पे आप मेरी special classes को avail कर सकते हैं Unacademy के platform पर. ठीक है, मैं Unacademy के platform पर आपको special classes provide कर रही हूँ, and here you can use my code, that is PKNET10. It is shown in the slide, right? तो आप लोग इस code को use कर सकते हो, and this is valid for all the free classes or for the special classes. जितनी भी स्पेशल क्लासेस हैं उसके लिए ये सारे के सारे फ्री लेसन्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं. एंड द कोड इज़ PKNET10. दिस विल हेल्प यू अलॉट फॉर श्योर, बिकॉज मैं आपको पेपर वन एंड पेपर टू के भी सेशंस प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑन गोइंग चल रहे हैं, एज वेल एज़ आपके प्रीवियसली मैंने कम्प्लीट भी करवा दिए हैं. सो थैंक यू ऑल, दैट्स इट फॉर नाउ. बाय बाय.